गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज दिन में ना बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश हुई है, पूरी रोड भीगी है और हम लोग जा रहे हैं किसी काम से बाहर, मतलब मैं और नैन्सी जा रहे हैं बाहर। और आज मैंने ना अपना वो वाला टॉप पहना जो कल आया था ना, मैंने कैसे डाल के देखते कैसा लगेगा, और काफ़ी सही लग रहा है। ऑरेंज कलर का है और काफ़ी इस मौसम में खिल रहा है। आओ ना जी, चलिए बेटो। मौसम ठंडा हो गया ना, क्योंकि पानी गिर गया है तो मौसम और भी ज़्यादा ठंडा ठंडा हो गया है। मैंने इसके अंदर ना आज थर्मल भी पहन लिया, क्योंकि भाई साहब ठंडी तो पड़ने लगी है बहुत ज़ोरदार वाली। हो गया है, अब मस्त नीडेड है कॉफ़ी। तो यहाँ पे कॉफ़ी का रेस्टोरेंट दिखा है, चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं। सो गाइज, दिस लुक इज़ सो यमी। और जितना टेस्ट इसका आइसक्रीम का था, उतनी सुंदर इसकी प्रेजेंटेशन थी, जो कि हम लोग को बहुत अच्छी लगी। बोलते हैं ना कि खाने से पहले इंसान चीज़ों को देखता है, तो जो चीज़ आँखों को भा गई वो चीज़ जवां को भा ही जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वाकई ये बहुत टेस्टी थी। गाइज, मैंने यहाँ शुगर डाल ली थी, उसके बाद ही पता नहीं मीठी क्यों नहीं हो रही। मुझे लगा शायद शुगर मेल्ट नहीं हो पाई, फिर मुझे एक पाउच और लेना पड़ा। मतलब मुझे यहाँ 3 पाउच लेके डालना पड़ा है कॉफ़ी में। आई थिंक शायद मैंने आइसक्रीम साथ में खाई, इस वजह से मुझे कॉफ़ी थोड़ी कम मीठी लग रही है। और ये कॉफ़ी बहुत हार्ड थी, लेकिन बहुत ज़्यादा यमी लग रही थी, बहुत टेस्टी थी। भाई साहब मस्त यहाँ पे कॉफ़ी थी और बहुत अच्छी सी, और आइसक्रीम तो उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब मैंने कॉफ़ी मंगाई थी पर आइसक्रीम ज़्यादा टेस्टी थी। सुपर वंडरफुल एक्सपीरियंस यहाँ का। अब यहाँ से निकलते हैं घर, और टाइम हो गया 5:30 का, निकलेंगे यहाँ से घर। चलो मिलते हैं घर जाके। जब हम लोग घर आए ना, तो घर के पास के बच्चे ना साइकिल चला रहे थे, और मुझे देख के ना हुआ कि यार मुझे भी साइकिल चलाने का मन हो रहा है। तो फिर मैंने अपने घर के पास के बच्चों से बोला कि मुझे अपनी साइकिल की एक राइड दोगे? बोला ओके दीदी ओके। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो मेरा वीडियो शूट करना, मैं तुम्हारी साइकिल चलाऊँगी। तो बोले ओके दीदी, मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो वो मेरे घर के पास के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने मेरा वीडियो शूट करा और मैंने साइकिल चलाई इतने दिनों के बाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि थोड़ा सा अर्थ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, और बहुत मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि ना मैं डायरेक्ट एयर के साथ हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। बोलो। हे गाइस,
शाम का खाना वाना हो गया, आराम से हम लोग बिस्तर में बैठे थे और अपनी फोटोज ले रहे थे नैन्सी के फोन से, जो इसकी फोन से क्लिक हुई है। और कैसा लगा सुबह दिन में? मजा आई। मजा आया? मुझे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कोई प्लानिंग नहीं थी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ हम लोग अपने काम से गए थे। हाँ। और फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा पानी भी गिर रहा है तो कहीं रुकते हैं, कुछ खाते हैं, जिसका मन था ना आइसक्रीम खाने का मन है। और मेरा ना थोड़ा सा, मेरा ऐसे मौसम में कॉफ़ी पीने का मन होता है, तो वैसे ही हम लोग ने किया। हाँ, और वहाँ की आइसक्रीम सच में बहुत अच्छी थी। कैपेचिनो, हाँ कॉफी भी अच्छी थी, लेकिन कैपेचिनो मंगाई थी ना तो उस, और फिर ये लोग क्या करते हैं ना, एडेड शुगर अलग से देते हैं। तो पहले मेरे को लगा शुगर डाल के दी होगी, मैंने पिया इतनी कड़वी नीम से ज्यादा। फिर मैंने एक शीशे डाला, दो शीशे डाला, पता नहीं कौन सा शुगर था उनका, लेकिन ज्यादा मीठी नहीं हुई। लेकिन हम ब्लैक कॉफी पीते हैं ना तो थोड़ा बहुत हमें अच्छी लगी। और साथ में उन्होंने कुकीज भी दी थी, वो भी सुपर टेस्टी वाली। हाँ, वो तो हाँ कुकी अच्छी, आलमंड कुकी थी। और कॉफी लो तो सिर्फ कॉफी मिलती है। हाँ, और उनके में कुकी भी थी। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कुकी मिली थी हम लोगों को। और आइसक्रीम की बात तो भाई अलग ही थी। और पता, प्लेस बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा था, सो ड्रीमी। मतलब अलग से हम लोग बच्चे होते हैं ना तो हम लोग ऐसे ही वाली प्लेसेस सोचते हैं कि अगर कोई आइसक्रीम पार्लर होना चाहिए तो ऐसा होना पिंक चाहिए, कलर का, पिंक कलर का। इसीलिए हम लोग को और भी ज्यादा अच्छा लगा वो पिंक कलर का पार्लर। पिंक कलर के थीम पे था ना वो, बहुत अच्छा। वो बार्बी वाली फीलिंग आ रही थी। वो होता ना कि इमोशंस होते, जैसे कि आप ऐसी कोई चीज देखते हो तो एकदम से अरे वाह ये तो कितनी अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ हम लोग के फेवरेट कलर थे बहुत ज्यादा ना, उसे आइसक्रीम टाइप के कलर थे। वो वाले जो कलर होते जो हम लोग बचपन में आइसक्रीम बनाते थे तो वही कलर चूज करते थे, वैसे था। नियॉन लाइट का काम था, इतनी अच्छी फर्नीचर था, और वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी सच में। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से वो बात कर रही थी, चीजें पूछ रही थी। ठीक लगा आपको? आपको कॉफी ठीक लगी? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा लगा मैम आपको? और वो बता है, नमस्ते इंडिया वालों का है आइसक्रीम पार्लर। और हो गया टाइम उसको, लेकिन हम अभी, हम क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो हम कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम कभी वहाँ गए नहीं, लेकिन नैन्सी की वजह से आज हम गए। और फिर मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि मुझे भी आइसक्रीम ले लेनी चाहिए। वहाँ इतने फ्लेवर थे, इतनी सारी वैरायटी थी आइसक्रीम की ना। हाँ सच में, मतलब वर्थ इट था ना हम लोगों का, मतलब टाइम स्पेंड। खूब सारी फोटोज भी ली, बहुत अच्छी वाली हीरोइन वाली। हीरोइन वाली फोटो तो रह गई। हाँ, फोटोज रह कहाँ गई, हो तो गई, थोड़ी बहुत रह गई, वो ब्लर कर दिया था वो सब। थोड़ी सी तो रह गई, बाद में कभी। सारी पोजेस ब्लर वाली, सारी पोजेस ने हमसे दोबारा से क्लिक करवाई है, पर हम तुम हमको बोलो कि इसने फोटो ब्लर कर दी। हम ना इस व्लॉग में सारी फोटोज लगाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी फोटो आई है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी वो फोटोज को देखे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे ज्वाइन नहीं किया होगा। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन आप लोग इंस्टा पे नहीं आते तो मैं आपके लिए यही पे फोटो लगा दूंगी, ये बेस्ट रहेगा। हाँ, और आज का मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, वीडियो तो मैंने बनाई है बहुत सुपर वाली, अच्छी वाली। हाँ, अच्छे से मैंने शूट किया है। अब पता नहीं आप लोग को कैसा लगेगा, लेकिन मैंने अच्छे से शूट की सारी, अच्छे से सारी चीजें, सारी कंफर्टेबल प्लेस था। हाँ, मतलब अच्छा लगा। अब वो आप वीडियो देख के बताइएगा कि वीडियो में आपको वो पार्लर कैसा लगा, और आप गए हो कि नहीं गए हो कमेंट में बताना। और आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, होप भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। मैसेज में बताना जरूर कितने लोग वहाँ गए हैं और कितने लोग मेरी वीडियो देखने के बाद जाएंगे, ऑनेस्ट बताइएगा। रिव्यू चाहिए ना। मिलूंगी कल।